मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक 1.0 हो चुका है कल से 1 जून से, और 1 जून से अनलॉक 1.0 चलेगा, और उसमें उत्तर प्रदेश में क्या क्या छूट मिलेगी ये पूरी गाइडलाइन आ चुकी है। बिल्कुल ऑफिशियल गाइडलाइन के द्वारा आपको बताया जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर खुलने वाला है। साथ ही चर्चा करते हैं कि क्या है अनलॉक। देखिए, अनलॉक क्या है, जो लॉकडाउन चल रहा है उसे क्रमबद्ध तरीके से खोलना ही क्या कहलाएगा, अनलॉक कहलाएगा। देखते हैं अब गाइडलाइन क्या है आपके लिए, यूपी में रहने वाले कैंडिडेटों के लिए क्या क्या चीज़ खुली है, और क्या इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। आप वहां से उस लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे पूरे पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, यहां पर 3-4 चीज़ें बड़ी मेन हैं। पहला है, इन्होंने जो दिया है लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा, बाकी में क्रमबद्ध तरीके से खोला जाएगा। अब पहली चीज़ क्या है, कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से नियमानुसार छूट दी जाएगी, तो इसे इन्होंने 3 चरणों में बांट दिया है। पहले चरण क्या है भाई, पहला चरण क्या है, पहले चरण में आपको देखिए सबसे पहले हम किसके पूजा करते हैं, भगवान की, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले धर्म स्थल पूजा स्थल जन सामान्य के लिए खोल दिए हैं। कब से, 8 जून 2020 से। होटल रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं भी खोल दी गई हैं 8 जून से, और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुल जाएंगे। ये होगा पहला चरण। दूसरा चरण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक जारी किया जाएगा। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, लेकिन विचार किन चीज़ों पर किया जाएगा, समस्त स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थाएँ आदि को माह जुलाई 2020 में भारत सरकार के संभावित दिशा निर्देशों के अनुरूप जो है खोलना प्रस्तावित रहेगा। और तीसरे में, तीसरा चरण जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं और सिनेमा हॉल और जो अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, जैसे असेंबली है, तरणताल है, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, इन सारी ही चीज़ों को तीसरे चरण में देखेंगे, और इनके बारे में इन्होंने कहा है कि अग्रिम आदेशों तक ये सभी बंद हैं। दूसरा पॉइंट क्या है लिया है इन्होंने, कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति निर्देशक जो है यहाँ पर संलग्न की गई है। रात्रि का जो समय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, अब पहले 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, शाम 7 से सुबह 7 तक का था, अब रात 9 से सुबह 5 तक का कर दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर पॉइंट 4 में है, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के दौरान गतिविधियाँ, ये मोस्टली वही हैं जो अभी तक चल रही थी, तो इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट होगा 5 बहुत बड़ा भी है, इसलिए हमने यहाँ से जो मेन मेन पॉइंट है वो उठाए हैं। पूरी गाइडलाइन आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है वो मेन है आपके लिए, क्या समस्त सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ तो खुलेंगे, किंतु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़ भाड़ न हो, इस हेतु समस्त कार्यालय स्टाफ को 3 पालियों में विभाजित करते हुए बुलाया जाएगा। मतलब अब 3 शिफ्ट में कार्यालय चलना है। प्रथम शिफ्ट 9 से 5 बजे तक, द्वितीय शिफ्ट प्रातः है 10 बजे से शाम 6 बजे तक, और तीसरी 11 बजे से 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्टों में कार्य होगा, और कार्यालयों में सैनिटाइजर, फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूरी है। तो इसके बाद जो है अगर बात करी जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो ये आपका चौथा पॉइंट है। देखिए, फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग की हर पॉइंट में है, और इनका हम बार बार जिक्र नहीं करने के, लेकिन आप लोगों को इनका बिल्कुल ध्यान रखना है। चौथे पॉइंट में जो इन्होंने दिया है, पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेगी उसके समस्त दुकानदारों को फेस कवर, मास्क, ग्लव्स आदि का इस्तेमाल करना होगा, और दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके, और किसी भी खरीदारी को यदि उसने मास्क नहीं पहना तो बिक्री नहीं की जाएगी। तो मतलब अब दुकान पर जाने से पहले आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए जानना, समस्त बाजार सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुले, मतलब यहाँ पर
कुछ व्यवस्था ऐसी भी की जा सकती है, कुछ दिन एक दिन और कुछ दुकानें कुछ दिन दूसरी दुकानें खुलें, तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन यहाँ पर जरूर रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो सुपरमार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और इस जो फेस मास्क है, ग्लव्स हैं, इनकी व्यवस्था जरूरी है। इसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखें सब्जी मंडी के लिए पहले से खुली हुई है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी और रिटेल में आप 6 से 9 बजे तक ले सकते हैं रिटेल के लिए आप, और फल सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित करके प्रातः 8 से 8 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जाएगा, ये बात है। अगर नेक्स्ट देखें तो देखिए यहाँ पर बारात के लिए भी दिया गया है कि बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी, पहले से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और इसमें 30 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी बारात घर पर किसी भी रूप से शस्त्र ले जाना वर्जित होगा और उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही भी आपके खिलाफ की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी सोशल डिस्टेंसिंग और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोली जाएंगी, तो यहाँ पर ये भी बड़ा पॉइंट है क्योंकि इसके बिना भी सभी परेशान ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखें टैक्सी जो है, कैब, ऑटो, ये सभी इस शर्त के साथ चलेंगी कि आपको निर्धारित जितनी सीट है, निर्धारित सीट से ज़्यादा आप सवारी नहीं बैठा सकते, और इसमें वही फेस मास्क वगैरह कवर वगैरह आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दो पहिया वाहन पर भी आप दो ही आदमी चलें और उनके पास भी हेलमेट और मास्क वगैरह की उन पर भी अनिवार्यता है। साथ ही साथ रोडवेज बसों के लिए भी यहाँ पर सशर्त अनुमति दे दी गई है कि जितनी सीट है उसके साथ संचालन किया जाए, और स्टैंडिंग अनुमति कहीं पर भी नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार का भी आप किसी भी प्रकार के सवारी से जा रहे हैं उसमें स्टैंडिंग की कोई भी अनुमति आपको नहीं दी जा रही है। इसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पर सिटी बस का भी बिल्कुल उसी तरह से संचालन है जैसे रोडवेज बसों का है, और उसके बाद यहाँ पर बात करी जाए तो खेल परिसर स्टेडियम को क्रीड़ा अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी, किंतु इसमें दर्शकों की को अनुमति नहीं होगी। तो पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पर 23 पॉइंट हैं, तो आप 23 के 23 पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। छठे में आप देख सकते हैं, छठे पॉइंट में व्यक्तियों माल वस्तु आदि के निर्बंधन आवागमन के संबंध में है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित पॉइंट नंबर 7 है। आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोड़ी ऐप का प्रयोग आप करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए पॉइंट नंबर 8 है। 9 में गाइडलाइन का क्रियान्वयन जो है हो उसके लिए है, और 10वां पॉइंट दंडात्मक प्रावधान, और ये देखिए 30/5/2020 का ये आजी का PDF है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें और पूरे को आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।